नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। काफी टाइम से कई स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट आ रहा था ग्रेड में यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करें, तो उसी रिगार्ड्स में आज का ही हमारा टॉपिक है यहाँ पे, टॉप यूनिवर्सिटी इन द यूक्रेन के बारे में। लेकिन हर बार की तरह मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन के बारे में। टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन में बात करने से पहले जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है वो एजुकेशन सिस्टम समझना अति आवश्यक है। वहाँ एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए यूक्रेन के अंदर, तो वो ECTS बेस्ड सिस्टम है। वहाँ पे ECTS की बात करेंगे तो इट्स ए यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्युमुलेशन सिस्टम। ECTS का एक्सप्लेनेशन जो है हमने पुराने हमारे एक वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन अगर उसको इजी मेथड में समझा जाए तो 360 क्रेडिट पॉइंट्स होता है जो कि इक्वल पार्ट में 6 साल के अंदर डिवाइडेड होता है। हर एक साल का 60 पॉइंट होता है, वो 60 पॉइंट के हिसाब से आपका स्टडी डिवाइड होता है वहाँ पे। और जो बेनिफिट है ECTS का, तो ECTS के बेस पे जो ECTS जो एक्चुअली डिजाइन हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए हुआ है कि स्टूडेंट अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो उसके एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से दूसरी कंट्री में उसको ट्रांसफर मिल सके और उसका रिकॉग्निशन होता है उसके बेस। इसीलिए ECTS को डिजाइन किया गया पूरे यूरोप के अंदर। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यूक्रेन अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि वहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहां पे फुल 6 ईयर का जो स्टडी ड्यूरेशन है वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होता है। तो यहां पे लैंग्वेज का कोई भी कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं रहते आपके लिए। 6 ईयर का जो करिकुलम होता है वो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं यूक्रेन के अंदर। दो पार्ट में डिवाइड होने का रीजन है यहां पे एक नेशनलाइज सेंट्रलाइज एग्जाम रहती है जिसको क्रॉक बोला जाता है, जो दो पार्ट में ली जाती है। जो क्रॉक 1 है वो थर्ड ईयर के बाद एग्जाम कंडक्ट होती है, जिसको बेसिकली आप प्री क्लिनिकल एग्जाम बोल सकते हो वहां पे। और वहां पे जो एग्जाम है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स जो कवर किए जाते हैं, वहां पे बायोलॉजी का करीबन 6-8% कवर होता है, नॉर्मल एनाटॉमी जो होता है उसका 9-11% होता है, हिस्टोलॉजी का 4-6% कवर होता है, नॉर्मल साइकोलॉजी का 13-17% कवर होता है, बायोकेमिस्ट्री का 13-70% कवर होता है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जो है उसका 13-70% कवर होता है, पैथोसाइकोलॉजी जो है उसका 10-14% कवर होता है, माइक्रोबायोलॉजी का 7-9% कवर होता है और फार्माकोलॉजी का 15% कवर होता है। ये एक एग्जाम का मॉड्यूल रहता है यहाँ पे। तो क्रॉक 1 जो पढ़ते हो आप 3 साल उसके बेस पे ही वहाँ पे कंडक्ट होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी जो एग्जाम होती है वो 6 ईयर के बाद होती है, जिसको क्रॉक 2 बोला जाता है और इट्स बेसिकली क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मेडिकल थेरेपी जो होता है उसका 35-44% पोर्शन होता है, सर्जरी का यहाँ पे होता है 18-23% पोर्शन होता है, पीडियाट्रिक्स का 13-70% पोर्शन होता है, ऑब्स्ट्रेक्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट का 11-40% कवर होता है यहाँ पे, एंड हाइजीन हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका 11-14% कवर होता है। तो ये दोनों मॉड्यूल वहाँ पे कम्प्लीटली नेशनलाइज एग्जाम है, हर एक स्टूडेंट को ये क्वालिफाइड करनी पड़ती है। इसके बारे में कई बार इंडियन स्टूडेंट को मिसगाइड करने के लिए प्रयत्न किया जाता है कि क्रॉक बहुत ही हार्ड एग्जाम, ये इतना टफ एग्जाम नहीं रहता है, आपने अगर ठीक से पढ़ाई किया हुआ है और ठीक से उसका प्रिपरेशन किया हुआ है तो वहां पे क्रॉक क्वालिफाइड करना उतना टफ नहीं रहता है। किसी भी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसका एडवांटेज आपको बाद में देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे हम लोग ने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स आपको शो की हुई है जो कि क्रॉक एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर से, तो आप वो देख के भी खुद से पता कर सकते हैं कि वो कितना टफ है या कितना ईजी है यहाँ पे। दूसरा, कई लोग आपको मिसगाइड करने के लिए प्रयत्न करेंगे कि विदाउट नीट भी आपका यूक्रेन के अंदर एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा, तो इस चीज से मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट जो है क्यू के अंदर एडवाइजरी जो दिया हुआ है वो अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी मेंशन किया हुआ है, इंडियन स्टूडेंट मस्ट रिक्वायर्ड नीट क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग एडमिशन इन द MBBS कोर्स, जिसका लिंक भी हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शो किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग जो यूक्रेन के अंदर यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइज के अंदर टोटल 4 ऑप्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज, सेकंड पे जो आती है वो आती है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, थर्ड पे जो आता है मेडिकल एकेडमी, एंड जो फोर्थ पे आता है वो कुछ प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है। तो ये 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है प्राइवेट, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अभी इस यूनिवर्सिटी में टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी को कैसे कंसिडर किया जाना चाहिए यहाँ, तो अगर यहाँ पे हम लोग टॉप मेडिकल की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी उसकी बना सकते हैं। एक जो आता है वो अकॉर्डिंग टू
टू द वर्ल्ड रैंक. उसके बाद सेकंड आता है, वो आता है इकोनॉमिकल मेडिकल यूनिवर्सिटीज. एंड थर्ड पे जो आता है वो आता है प्रीमियम मेडिकल यूनिवर्सिटीज. तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्ल्ड रैंक के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आते हैं, हालांकि यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड रैंक में, एक है सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है तारा सेचुआंगको मेडिकल यूनिवर्सिटी. लेकिन तारा सेचुआंगको के पास प्रॉपरली एक्रेडिटेशन नहीं है आज की डेट में, तो एक्रेडिटेशन का वहाँ पे अभाव है. तो उस कंडीशन में एक अलौता यूनिवर्सिटी बचता है वर्ल्ड रैंक में, वो है सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका बजट आपका एक्चुअल रहेगा वो रहेगा 30-32 लाख के आसपास. उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो कि एजुकेशन वाइज काफी बेटर बोल सकते हो आप, तो इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी के अंदर इवानो फ्रांकियस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिसका बजट आता है करीबन 28-30 लाख के आसपास. और बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिसका बजट भी रहता है करीबन 28-30 लाख के आसपास. और उसके बाद अगर हम लोग प्रीमियम कैटेगरी में बात करेंगे तो वहां पे जो आती है सबसे पहले जो है वो है डेनिलो हेलेस की लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका यहाँ पे बजट जाता है करीबन 35-38 लाख के आसपास. और उसके बाद बात करेंगे तो बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिसका बजट जाता है 35-38 के आसपास. उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा लो बजट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे टर्नोबिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिसका बजट यहाँ पे 34-36 के आसपास रहेगा. और उसके बाद अगर देखेंगे तो खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिसका बजट यहाँ पे आपको रहेगा 35-38 लाख के आसपास. और उसके बाद अगर वियंग कराजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उसका भी बजट आएगा करीबन 34-36 के आसपास. और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो विनिचा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिसका भी बजट रहता है 35-38 लाख के आसपास. तो इतनी यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हो. तो दूसरा, कई इंडियन स्टूडेंट ने हमको एक सवाल किया था कि अगर यूक्रेन में एडमिशन लेना है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पे, और किस टाइप का यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है और उसे कैसे बचा जा सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो हमारा राय देते हैं हर बार की तरह, ट्राई टू साइन द एग्रीमेंट विद द कंपनी और कंसल्टेंट विद ऑन द स्टैम्प पेपर. और उसके अंदर खास से मेंशन कीजिए कि जो आपको यूनिवर्सिटी दी जा रही है वही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवाया जाएगा. दूसरी चीज खास मेंशन करनी जरूरी है, वहां पे जो अकोमोडेशन आपको कमिट किया जाता है वही अकोमोडेशन वो आपको दिलवाए, क्योंकि कई बार वहां पे ऐसा होता है कि वहां पे गवर्नमेंट हॉस्टल में स्पेस अवेलेबल नहीं रहती है. आप उसके बजट को कंसिडर करके जाते हैं वहां पे और जाने के बाद पता चलता है कि वहां पे हॉस्टल में स्पेस नहीं है, उस टाइम पे आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेना पड़ता है जो कि आपके बजट को डिस्टर्ब करके रख देता है. यूक्रेन में जाने से पहले अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो अपने मोबाइल के अंदर मदद ऐप खास से इंस्टॉल कर दे, क्योंकि वो चीज आपको प्रोटेक्ट कर सकती है वहां पे. आपकी ग्रेवियंस आप वहां से रेज कर सकते हो टू द इंडियन गवर्नमेंट. कई बार कई स्टूडेंट भी आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगे और वो खुद को वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताएंगे और उनका लोकल प्रेजेंस होने की वजह से कई बार आप अट्रैक्ट होकर उनके थ्रू एडमिशन प्रोसेस कर लेते हो. लेकिन इस चीज से बचना अति आवश्यक है यहाँ पे, किसी भी स्टूडेंट को एज ए कंसल्टेंट ट्रीट ना करे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी परेशानी में रख सकता है. इन फ्यूचर कोई भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर आप फंसते हो तो वहां पे आप कोई भी कंप्लेन वो स्टूडेंट के खिलाफ रेज नहीं कर सकते हो. और ट्राई करें जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो मेल के थ्रू करें, ना कि व्हाट्सएप या दूसरे कोई सोशल मीडिया के थ्रू करें. एंड दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. नो योर राइट, टेक एक्शन, डू इट वंस, डू इट राइट. आई थिंक आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एवं लाइक जरूर से करें. उसके अलावा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के आपको बेनिफिट मिल पाए. उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं. और कुछ भी डाउट है तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर कुछ भी आपको काउंसलिंग चाहिए, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन चाहिए आपको घर पे बैठे फैमिली के साथ, तो हमारा जूम लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉन्टेक्ट करेंगे तो, और उसके बेस पे आप घर पे बैठे काउंसलिंग का बेनिफिट ले सकते. आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर.